भोपाल के एमपी नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने ओरस एकेडमी को सील कर दिया है। बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही थी। कोचिंग में जाने और आने का एक ही रास्ता था। बेसमेंट में 3 क्लासरूम बनाए गए हैं। आग लगने या पानी भरने की स्थिति में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। नेट मेट्रो कोचिंग क्लासेस पर भी कमियां पाई गई। बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। कौटल्य एकेडमी कोचिंग क्लासेस को सील कर दिया गया है। छात्रों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं कोचिंग क्लासेस के खिलाफ और जो जिस प्रकार से जो बेसमेंट में चल रही क्लासेस के खिलाफ। अभी मैं नीट कोचिंग क्लासेस में हूं, आप देख सकते हैं यहां पे कोचिंग क्लास में जिस प्रकार से यहां पे रूम की सफाई की गई है। पानी यहां पे भरा हुआ था, आप देखेंगे तो यहीं पर कहीं देखेंगे तो यहाँ पे क्लास रूम या क्लास लगती थी। आप देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ तैयारियाँ थी क्लास लगने को लेकर। अगर हम बात करें जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से अभी नगर निगम के साथ यहाँ के SDM भी यहाँ पहुंचे हैं और प्रशासन अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं जो अब इस पे आज से जो कार्रवाई शुरू की गई है उसको लेकर यहाँ काम किया जा रहा है। अगर देखें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में MP नगर में ये कोचिंग क्लासेस है। यहाँ देखेंगे आप तो क्लास यहाँ लगती थी। जिस प्रकार से दिल्ली का कार्ड हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाया, यहाँ पे भी क्लासेस लगती थी। आप ये देखेंगे बोर्ड यहाँ लगा हुआ है क्या और बच्चों के बैठने की व्यवस्था यहाँ दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोचिंग क्लासेस चलती थी और यहाँ पर पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है। प्रशासन की चल रही कार्रवाई के बाद नीट कोचिंग क्लासेस पर जब पहुंचे हैं SDM तो यहां पे देखा गया कि बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी और जब देखा गया कि यहां का फायर सिस्टम को देखा जाए तो फायर सिस्टम में आधे घंटे बाद ये फायर सिस्टम चालू होता है, लेकिन उससे पहले अगर इसका प्रेशर देखा जाए तो मात्र ऐसा लग रहा था जैसे नल ग्रामीण क्षेत्र का नल चल रहा हो, लेकिन अब जब आधे घंटे बाद जब दुर्घटना हो जाए आधा घंटा बीत जाए तो ये सब प्रेशर आएगा। तो हमारे साथ संचालक है भाई साहब। हाँ, जो ऐसा बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, इससे देखिए मेरी बात सुनिएगा, जब इससे पहले देखा गया तो अब अगर तब पानी नहीं आ रहा था, आ रहा था क्या? मैं बता रहा हूँ वो तो सुनिए। हाँ, इसका ऐसा है कि इसमें लीकेज हो रहा है, ये भी नया इंस्टॉल हुआ है। लीकेज होने की वजह से कल हमने क्लासेस कब से चल रही है यहाँ? एक साल से चल रही है। एक साल में कब से कब लीकेज हुआ और कब ठीक हुआ फिर? ये अभी नया लगा है 5 दिन पहले। मतलब एक साल में आपके यहाँ फिर भी दीदा? नहीं तो अभी तक सरकार की ऐसी गाइडलाइन नहीं था। कहीं ना कहीं प्रशासन जो क्लास कोचिंग क्लास एक संचालक है वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इसमें पानी आ रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई है, SDM साहब हमारे साथ ही हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, फायर सिस्टम आपने भी देखा, आधा घंटा हो गया फायर सिस्टम बाद में चालू हुआ, क्या कार्रवाई बनती है? फायर सिस्टम के लिए हमारे साथ नगर निगम के फायर ऑडिटर्स हैं, वो देख रहे हैं और हमने अभी हम इनको निर्देशित कर रहे हैं ये तत्काल अपनी व्यवस्था दुरुस्त करें। सर, जिस प्रकार से कोचिंग क्लासेस में बेसमेंट में भी आपने देखा कि काफी कुर्सी टेबल पंखे मतलब सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, जबकि संचालक कह रहे हैं क्लासेस नहीं चलती थी, क्या आपका अनुमान क्या है? वर्तमान में तो क्लासेस संचालित होती नहीं पाई गई हैं, पर भविष्य में कभी उस स्थान का कोई दुरुपयोग ना हो, कोई दुर्घटना घटित ना हो, हम इसीलिए यहाँ भी इसको बंद कर रहे हैं। अभी पानी नहीं आया, जो होजरी सिस्टम था उसके अंदर पानी नहीं आया था जिसके लिए कार्रवाई है, मगर उनको अभी इस बात के लिए कहा गया तो वो कह रहे हैं हम उसमें दुरुस्त करवा रहे हैं। जो कोचिंग क्लासेस संचालक है कितना भी अपने आप को बचाने को कोशिश करे, लेकिन जो SDM है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के निर्देश हुए उसके बाद नीट मेट्रो कोचिंग क्लासेस पे भी कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ संजय डोंगर, दुबे, भोपाल।